श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का प्रवचन, पाप और पुण्य दोनों बंधन। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, पुण्य और पाप इन दोनों शब्दों को सर्वसाधारण जानते हैं। अच्छे अच्छे कर्मों को पुण्य और बुरे बुरे कर्मों को पाप कहते हैं। पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुख होता है। पुण्य करने से स्वर्ग और पाप करने से नरक में जाते हैं। दोनों भोगियों का पुनः जन्म होने पर स्वर्ग जाने वाले श्रीमान के घर में और दूसरे ठीक उसके उल्टे घर में जन्म लेते हैं। पाप को लोग पसंद नहीं करते और पुण्य को पसंद करते हैं। पाप करने वाले की बदनामी और पुण्य करने वाले की नेक नामी होती है। पाप करने वाले अप्रतिष्ठा और पुण्य करने वाले प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। पुण्य वांछनीय है और पाप अवांछनीय है। ऐसा कोई नहीं जिससे कुछ पुण्य और पाप नहीं हुआ हो। कुछ लोगों से पुण्य अधिक और पाप कम होते हैं, वे ही भले कहे जाते हैं। किसी से पाप अधिक और पुण्य कम होते हैं, वे ही बूढ़े कहे जाते हैं। ऊंचे पद पर रहने वाले भी यदि पाप करते हैं तो सामने में नहीं किंतु पीछे में लोग उनकी निंदा करते हैं। कुछ भले लोग भी ऐसे काम करते हैं और भले कहे जाते हैं किंतु वे भले नहीं हैं। उनके सामने में उनकी बुराई लोग नहीं कहे किंतु पीछे अवश्य कहते हैं। लहसुन खाने से गंध होती है, छिपती नहीं। उसी प्रकार एकांत में पाप करने पर भी वह प्रकट हो जाता है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम का पद लोगों ने संसार में दिया है। उनको लोग विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं। उनकी जितनी प्रतिष्ठा है औरों की उतनी नहीं हो सकती। राजनीति का पेंच और बाली को मिला हुआ वरदान की कठिनाई के कारण उन्होंने बाली को छिप कर मारा। उनसे भी भूल हो गई। बाली का शासन कुशासन था। उसने अपने भाई के साथ अन्याय किया था। ऐसा श्री राम ने उसे कहा भी। बाली को वरदान था कि जो उसके सामने होकर लड़े उससे दूना बल उसको हो जाए। इसलिए सुग्रीव से लड़ते हुए बाली को बिटप ओट देख ही रघुराई, तुलसीकृत रामायण में लिखा हुआ है। बाली के मारे बिना उसका कुशासन नहीं मिटता, इसलिए श्री राम ने उसको मार डाला। फिर भी कितने लोग कहते हैं कि श्री राम ऐसे महान से भी भूल हुई। बाली जानता नहीं था कि किधर से वान आवेगा। वह तो अपने भाई से लड़ता था। उसका बदला दूसरे अवतार में अर्थात कृष्णा अवतार में उस भगवान को व्याधा ने छिपकर वान से मारा था। महाभारत के मैदान में भगवान श्री कृष्ण को किसी अस्त्र से कुछ नहीं हो सका। जैसे समुद्र में सब लय होते हैं, उसी तरह सब अस्त्र शस्त्र उनकी देह में लय हो जाते थे, किंतु एक तीर से उनका शरीर छूटता है। गोया वान को वह ग्रहण कर लेते हैं। युधिष्ठिर को लीजिए, इतने धर्मात्मा के उनके रथ का पहिया पृथ्वी से ऊपर होकर चलता था, जमीन में स्पर्श नहीं करता था। राजनीति का पेंच आता है। दोनों दल आमने सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। युधिष्ठिर अस्त्र शस्त्र छोड़कर खाली देह भीष्म के पास चले जाते हैं। लोग समझने लगे उनकी शरण में जा रहे हैं। कौरव दल में खूब हंसी मच रही थी। भीष्म पितामह को जाकर राजा युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और कहा, आप वरदान दीजिए कि मैं शत्रुओं को परास्त करूं। भीष्म बोले, तुम बड़े सुशील हो, मैं कौरव की ओर से तुम्हारे विरुद्ध लड़ने को हूं, फिर भी तुमने मुझको आकर प्रणाम किया, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। वर मांगो, किंतु मुझको अपनी ओर लेने का वर छोड़कर
युधिष्ठिर ने कहा, वर दीजिए कि मैं जीत जाऊं। भीष्म बोले, तुम सब भाई मिलकर मुझे किसी तरह गिरा देना। फिर वह द्रोणाचार्य के पास गए और उनको प्रणाम किया। वे बोले कि मैं कहता हूँ तुम सब भाई मिलकर किसी तरह मुझे मार देना। पुनः वे कृपाचार्य के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा, मेरे रहते हुए भी तुम जीतोगे। भीष्म के गिरने के बाद द्रोण सेनापति हुए और युद्ध आरंभ हुआ। घनघोर लड़ाई हुई। द्रोण हारते ही नहीं थे। अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मारकर भीम ने हल्ला कर दिया कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। भीम की बातों का द्रोण को विश्वास नहीं हुआ। श्री कृष्ण के कहने पर लाचार होकर युधिष्ठिर को झूठ बोलना पड़ा। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से 3 बार पूछा। तीनों बार युधिष्ठिर ने नर अश्वत्थामा के मरने की बात कही। इतने बड़े मनुष्य से भी पाप हो गया। उन्होंने कितने तीर्थ व्रत यज्ञ दान आदि पुण्य कर्म किया था, किंतु झूठ बोलने का एक पाप कर्म करने से उन्हें नरक देखना पड़ा। भले वो प्रकृति वश चूक भलाई, लाचार होकर के भी ऐसा काम हो जाने पर कोई पाप के फल से बच नहीं सकता। पाप का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। लोग पाप करते हैं और चाहते हैं कि पाप का फल दुख न हो, तो क्या ऐसा कुछ उपाय है जिससे पाप का नाश हो जाए? तो ध्यान बिंदु परिषद में लिखा है, यदि शैल समंग पापंग विस्तीर्ण बहु योजनम विद्यते ध्यान योगे नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। जो किसी प्रारब्ध के कारण से नहीं होता, केवल पुरुषार्थ से ही होता है, वह नया है। पुराने कर्म के कारण से ऐसा हुआ सो नहीं, वह क्रियमान कहलाता है। जितने कर्म करते हैं वे जमा होते हैं, उस जमा में से थोड़ा थोड़ा भोगते हैं, वह है प्रारब्ध। और अभी जो जमा है और उसमें जमा होता रहता है वह है संचित कर्म। ध्यानाभ्यास करने वाला क्रियमान कर्म रूप पाप से बचता रहता है, क्योंकि पाप करने वाले से ध्यान नहीं होगा। पाप कर्म करने वालों का मन विषयी होता है, वह संसार में लिपटा रहता है। उसे ध्यानाभ्यास में एकाग्रता आवे और उसका ध्यान बने, यह संभव नहीं है। ध्यान करने वाला मन को विषयों से हटाता है और पाप से बचाता है। खाना पीना पहनना भी विषय है, किंतु वह इन सब को भोगते हुए इनमें लिप्त नहीं होता। डॉक्टर जानता है कि शरीर अस्वस्थ होने से कौन भोजन नहीं करने चाहिए और कौन भोजन करना चाहिए। उसकी बातों के अनुकूल रोगी चलता है और धन पास रखने वाला धनी यात्री संकट के रास्ते से बचता है। बुद्धिमान पापों से बचने का इच्छुक गुरु वाक्य के अनुकूल विषय के कुपथ्य से बचता है, और वह परमार्थ मार्ग का यात्री प्रमाद और कुसंग रूप संकटों से भी बचता है। इसलिए क्रियमान पाप कर्म उसको नहीं होता है। शरीर में बरतते हुए प्रारब्ध का भोग नहीं हो कब संभव है? कितना हो ध्यान में चढ़ा हो उसका फल भोगना ही पड़ेगा, किंतु उसका भोग वैसा होगा जैसे कोई मद या भांग पीने वाला मस्त हो जाता है, तब कहीं चोट लगने से उसका दर्द उसे कम मालूम होता है। डॉक्टर क्लोरोफॉर्म देकर किसी रोगी की चीरफाड़ करता है, किंतु उसका दर्द उसे मालूम नहीं होता। उसी प्रकार भजन के नशे में उसे कर्म फल भोग का दुख और सुख कभी कम और कभी कुछ मालूम नहीं होता।
संसार का सुख भी उसे आकर्षित नहीं करता, वह सुख को सह लेता है। साधारण लोग सुख नहीं सह सकते, दुख को भले सह लें, संसारिक सुख में लिप्त होना और अहंकारी बनना सुख नहीं सह सकना है, किंतु ध्यानाभ्यासी सुख दुख दोनों को सहते रहते हैं। फिर ध्यानाभ्यास द्वारा उधर गति होती है और अभ्यासी कर्म मंडल को पार कर जाता है, उसका कर्म बीज जल जाता है और उसके तीनों कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए उपनिषदों में लिखित श्लोकों में ध्यानाभ्यास द्वारा कर्मों का क्षय दृढ़ता से बतलाया गया है। पाप पुण्य दोनों कर्मों के फलों से बचने के लिए ध्यानाभ्यास करना सीखो। पाप पुण्य दोनों बंधन है। ध्यान क्या है? ध्यानं निर्विष्यं मनः, विषय को मन जड़ा भी नहीं पकड़े। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये पांच विषय हैं। इन विषयों को छोड़कर मन रहे ऐसा होना मन के लिए मुश्किल है। मूर्ति ध्यान रूप हो ही जाता है, भोजन करते ही कुछ रस हो ही जाता है। संसार में रहोगे कुछ न कुछ गंध लगेगी ही। जब करते हो शब्द को पकड़े हुए हो, विषय से मन कहाँ हटा। इसका अर्थ नहीं कि जप और इष्ट का ध्यान ही नहीं करो, जपो ध्यान करो। संसार में बहुत रूप हैं, सब रूपों से आसक्ति हटाकर अपने मन को एक रूप पर रखो। कितने रूप छूट गए, बहुत शब्द हैं, सब शब्दों को छोड़कर एक शब्द के जप में लगे रहो। कितने शब्द छूट गए, इस अभ्यास में पहले दृढ़ हो जाना चाहिए, तब स्थूल रूप का ध्यान और अभ्यास करना चाहिए। भजन करने के समय यदि ख्याल करो कि हलवा खाऊं तो ध्यान कैसे होगा। मतलब यह है कि नाम जप और इष्ट मूर्ति ध्यान के अतिरिक्त मन में कुछ न आने दो। इस तरह सब विषय छूटकर केवल एक नाम और एक रूप रह जाए, ये स्थूल नाम रूप हैं। इस साधन के दृढ़ हो जाने पर इसको छोड़कर सूक्ष्म रूप और सूक्ष्म नाम के साधन में मन को लगाना चाहिए। सूक्ष्म रूप का साधन ही दृष्टि साधन है। जिस रूप को कभी नहीं देखा है उसे देखने की कोशिश करनी चाहिए। स्थूल मंडल में आंख खुलते ही स्थूल रूप देखने में आता है। उसी प्रकार दृष्टि साधन ठीक ठीक बनने से सूक्ष्म मंडल में सूक्ष्म दृष्टि खुल जाती है और सूक्ष्म रूप देखने में आता है। तब कहो कि इष्ट का ध्यान छूट गया, नहीं, इष्ट के स्थूल रूप का ध्यान छूटा, अब उनके सूक्ष्म रूप के ध्यान में लग गया। यहाँ सूक्ष्म विषय रह जाता है, इसको भी त्याग कर इष्ट का निर्विषय स्वरूप आत्म रूप प्राप्त करना होगा। इस प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म रूप छूटेंगे किंतु इष्ट नहीं छूटेंगे। सूक्ष्म रूप मंडल में सूक्ष्म शब्द अर्थात ध्वन्यात्मक नाम का ग्रहण हो सकेगा, जिसके विशेष भजन से सूक्ष्म रूप मंडल कारण और महाकारण जड़ रूप मंडल छूट जाएंगे और सच्चिदानंद पद के केंद्र में वह शब्द भी लय हो जाएगा। वही केंद्र निर्विषय तत्व पद इष्ट का परम स्वरूप या आत्म रूप है। ध्वन्यात्मक शब्द जहाँ छूटेगा वही परमात्मा का साक्षात्कार होगा। इस प्रकार निर्विषय तत्व को पाते हैं जिसके पाने वाले को संचित और प्रारब्ध कर्म छू नहीं सकते हैं। यह प्रवचन बिहार राज्य के पूर्णिया जिला अंतर्गत ग्राम रघुवंश नगर में दिनांक 8/7/1952 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।